हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ व्हिच एक्सरसाइज वी विल रीड टुडे? 11 एंड 12 वाज कंप्लीटेड और नॉट? पेज नंबर 22 221 क्वेश्चन नंबर 11 it was not done, I think, na? सर हो गया था। आज आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे अलजेब्रा। हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। अलजेब्रा वी विल स्टार्ट टुडे। यस सर। अलजेब्रा। ओके। चलिए अलजेब्रा शुरू करते हैं। अलजेब्रा जो वर्ड है ये अर्थमेटिक और अलजेब्रा दो अलग अलग हैं। अर्थमेटिक में केवल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, उससे रिलेटेड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन अलजेब्रा में मैथमेटिकल एप्लीकेशन बेसिक होता है, लेकिन उस नंबर्स के साथ वेरिएबल ऐड हो जाता है। वेरिएबल का मतलब ए से जेड तक या किसी भी भाषा का कोई भी लेटर हो सकता है, केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही नहीं, हिंदी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रा बनाते समय, या किसी भी लैंग्वेज का कोई भी अल्फाबेट यदि आप ऐड करते हैं उसको मैथमेटिकल एप्लीकेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलीनोमियल का नाम देते हैं। पॉलीनोमियल आप फर्दर क्लास में पॉलीनोमियल के नाम से जानेंगे। पॉलीनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक टर्म वाला होगा तो मोनोमियल होगा, दो एक से अधिक दो टर्म वाले बाइनोमियल, थ्री टर्म वाले ट्राइनोमियल, उससे अधिक पॉलीनोमियल, तो ये उसको एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड, आप लिख लीजिए इसको, लिखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा चैप्टर का नाम है। दस पांच मिनट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ये डिफिनेशन लिखिएगा। तो आइए गया, ये नहीं आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मत कुछ करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट with mathematical applications mathematical applications आप ब्रैकेट में कर लिख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई पूरा हो गया एंड डिवाइड, ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द डेफिनेशन इज इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल एप्लीकेशन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके एग्जांपल आप लिख लीजिए। एग्जांपल एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, x plus y, etc. Many examples can be written with the help of with the help of constant and variables. Variable letters को कहेंगे, don't talk
इसमें कोई बात कर रहा है भाई, जिसको बात करना है किसी से भी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। लिसन टू मी वंस अगेन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपको फर्दर क्लासेज में भी मिलेगा, लिसन अटेंटिवली, आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये बात समझ में आएगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रा से मतलब है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों का एक साथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को मैंने लिखा है। एंड ये साइन मैथमेटिकल एप्लीकेशन का या एडिशन, सर एलजेब्रा भी ज्योमेट्री पे होगा, फर्स्ट मैथ, मैथ फर्स्ट, ओके। नाउ हाउ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकम्स विद द हेल्प ऑफ फिगर इन योर बुक इज गिवन, आपके बुक में फिगर के साथ इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, इसको आपको मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, रिटेन आपने लिख लिया? नो सर, रुक जाइए। रिटन? यस सर, हो गया, पढ़ाइए आगे। देखिए सर, हो गया। इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप नोट मत करिएगा। ओके सर, आपको लिख रहा हूँ, ये नोटबुक में बस इतना ही रहेगा। देखिए, हियर इज रिटन, ट्रायंगल बनाया है, ध्यान से देखिए, ये बना रहा है इस तरह, ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सर मैथ स्टिक से बनाया है, ये समझने के लिए मैं इसको ड्रा, नो नीड टू राइट, नो नीड टू ड्रा, आपको ना ड्रा करना है ना लिखना है, केवल समझना है इसको पहले। ओके सर, क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग करेंगे, यहाँ पहले समझिए। देखिए ये ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल हैज हाउ मेनी मैच स्टिक, हाउ मेनी मैच स्टिक इज देयर, बोलिए। एक ट्रायंगल मैच स्टिक है, एक ट्रायंगल थ्री सर, थ्री है, लेकिन दूसरा मैच स्टिक में एक कॉमन हो गया है, यानी दो ट्रायंगल यदि आपने बनाया, दो ट्रायंगल बनाया तो कितने मैच स्टिक लगा? सिक्स लगा है, काउंट करके देखो तो सिक्स हो रहा है, फाइव है, एक कम हो गया ना, फाइव है, दो ट्रायंगल में फाइव है, एक स्टिक, यस सर, फाइव कॉमन कर दिया, यस, तो इसमें जितने कॉमन होंगे, ध्यान से सुनिए, उतने के लिए एक पैटर्न का रूल बन जाएगा। जैसे इसमें एक कॉमन हो रहा है, और टोटल कितने स्टिक हैं, बोलिए सर, फाइव, टोटल थ्री स्टिक है एक में, और कॉमन कितने हैं, तो थ्री में से वन जाएगा, टू एक्स प्लस वन करिए तो इसमें कितने ट्रायंगल है थोड़ा बताओ तो, वन टू थ्री, टू एक्स की जगह एन, फोर ट्रायंगल, टू एन प्लस वन, तो फोर ट्रायंगल, फोर नहीं है, वन टू थ्री फोर, हाँ फोर है, तो एन की जगह फोर करिए, फोर प्लस वन इक्वल टू नाइन। आप हमको बताइए इसमें कितने स्टिक लगे हैं, इसमें यदि दो ट्रायंगल है तो टू इंटू टू, हाँ इसमें कितने लगे हैं भाई, बोलो ध्यान से मेरी बात को समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको क्वेश्चन में दिया है आगे, यदि आप यहाँ पाएंगे ध्यान से देखिए, एक पहले एक ट्रायंगल देखिए,
एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, इसमें चार ट्रायंगल दिखा रहे हैं, हम तीन भी बना सकते हैं, एक तीन वाला भी बना लेते हैं। चलिए देखिए तीन वाला भी बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सर वो वहां पे क्या लिखे है, एक्स टू प्लस एन प्लस वन। ध्यान से देखिए, क्यों लिखते हो, सीवीएस केवल लिखने ही में रहते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। आपने देखा एक ट्रायंगल में कितने स्टिक हैं, बोलो यहाँ थ्री और स्टिक्स, स्टिक्स जो है इसमें थ्री है, टोटल स्टिक्स थ्री स्टिक्स हैं। तो एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। यदि ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, जो भी है, उस फिगर को बार बार जोड़ रहा है, रिपीट कर रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आप उसी फिगर को n कहेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिया है कई बार, तो उसको n के जगह पर, यदि एक ट्रायंगल दिया है तो n इक्वल टू 1 होगा बेटा, बोलिए। यस सर। दो होगा, n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, टू। n इक्वल टू कितना होगा, थ्री। यहाँ n इक्वल टू फोर। फोर सर, n का मतलब क्या हुआ सर? n मतलब नंबर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, समझ रहे हैं सर? हम लोग, आप सर, आप n वर्ड का यूज करते सर, हम लोग उसकी जगह कोई और लेटर यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, n करेंगे और भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, n ही लिखिए, n ठीक रहेगा, n से नंबर आप पता चलेगा। सर आप एग्जांपल में x लिखे हैं कि n लिखे हैं? x लिखे सर, तो ये बनाए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरे बात आपके दिमाग में गया नहीं है, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए, सब कुछ बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग, ओनली लिसन। जब तक आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ जाएगा तो आसान okay. नहीं मिलेगा, इसलिए समझने की कोशिश करिए पहले। देखिए ट्रायंगल को यदि आप कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक साइड इसमें कॉमन हो रहा है ना, दो साइड कॉमन नहीं हो रहा है? yes. किसी किसी फिगर में दो साइड कॉमन हो सकता है, ऐसा भी है, लेकिन इसमें एक साइड है। तो ये पूछेगा आपसे ना कि बताइए इस पैटर्न में कितने स्टिक लगे हैं, तो स्टिक कितने लगे हैं, इसके लिए मैं रूल बताने जा रहा हूँ। तो एक कॉमन यदि हो रहा है, ध्यान से सुनिए, एक कॉमन कोई भी पैटर्न हो, ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, जो भी हो, उसमें यदि एक कॉमन है, तो एक कॉमन को आप क्या करेंगे, एक 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 में कितने लग रहे हैं, उसके एक सेप में टोटल स्टिक कितने हैं, थ्री, और थ्री में से कितने कॉमन है, थ्री में से कॉमन कितने हैं, एक है, जब जोड़ रहे हैं तो एक कॉमन, एक कॉमन थ्री में से एक कॉमन होगा, तो आप क्या करिएगा कि थ्री माइनस वन करिएगा तो कितना होगा, टू, जितना कॉमन होगा टू, जैसे थ्री है ना, तो थ्री में से वन जाएगा तो क्या होगा, टू, और टू के साथ आप टू के साथ एन लगा दीजिए, टू एन हो गया, और उसमें एक कॉमन को जो माइनस किए हैं उसको फिर, तो ये रूल हो गया आपका, ये रूल हो गया, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन रूल बन गया। टू एन प्लस वन रूल में मान एन की जगह जितना भी दिया रहेगा ट्रायंगल, आप फट से उसके ऊपर आप स्टिक निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए आप इसमें नंबर आप स्टिक निकालना चाहते हैं, ये रूल जो है ये किसी भी ट्रायंगल को जोड़ने का है, तो बात करके काफी समान है, तो 2n + 1 लगाइए, 2n + 1, तो यहां नंबर ऑफ स्टिक है, नंबर ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स ये 2n + 1 है, तो बताइए हमको इसमें एक ही ट्रायंगल है ना, तो n की जगह क्या लिखूं, बोलिए। yes. n की जगह 1 अब दो वाले के लिए निकालिए कि दो वाले में कितना होगा, बोलिए। ये n इक्वल टू यदि 2 है तो नंबर ऑफ स्टिक कितना होगा,
नंबर ऑफ स्टिक्स नहीं ऐसे मत बताइए, रूल से बताइए, 2n प्लस 1 रूल लगाइए, तो 2 इनटू n के जगह 2 रखना है और प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5, 4 प्लस 5 हो गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया ना। अब आप मान लीजिए n इक्वल टू 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, उसका तो मैं यहां कर दिया हूं, यहां पर लिख दिया हूं कि नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स स्टिक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, एन के जगह चार ट्रायंगल दिख रहा है तो एन की जगह चार रख दिया, प्लस वन तो नाइन आ गया, तो नाइन आ गया, आप गिन भी रहे हैं तो नाइन आ रहा है। इसी तरह यदि मान लीजिए 100 ट्रायंगल को जोड़ दिया तो कितने नंबर आप स्टिक लाएंगे, आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट सूत्र फार्मूले से करेंगे फट से आ जाएगा, आपको गिनना नहीं पड़ेगा 100 बनाकर, जितना भी पूछेगा सबका निकल जाएगा। ओके, तो रूल कैसे बना है आपको ये समझना है कि ये जो मैंने ये रूल जो बना है ना, ये एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मैथमेटिकल एप्लीकेशन एडिशन के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये रूल बन गया है। ये रूल ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एन की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ सकता है घट सकता है, इसीलिए उसका नाम वेरिएबल कहा जाता है, वैरी करता है वो। तो n जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n के जगह यदि 3 ट्रायंगल को जोड़े हैं तो 3 हो सकता है, 10 को जोड़े हैं तो n का जो वैल्यू 10 हो सकता है, तो उसमें वो वेरिएबल चेंज हो सकता है, कांस्टेंट जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ओके, ये कुछ बातें समझ में आ रही है सर, प्लीज साइड, यदि बातें समझ में आ रही है तो मैं एक और रूल एक और रूल मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप अब खुद रूल बनाइए और बताइए हमको इसका रूल क्या बनेगा। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये स्क्वायर को जोड़ रहा हूँ, आप इसके लिए हमको बताइए इसका रूल, फाइंड द रूल फॉर द एडजॉइनिंग स्क्वायर्स। इसमें पता नहीं है एन तक जोड़ दिया है, तो आप हमको बताइए इसका रूल क्या होगा। रूल जैसे मैंने रूल निकाला, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रूल निकलेगा, बता सकता है कोई मुझे, एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल कितने होंगे स्टिक, पहले देख लीजिए आप, एक स्क्वायर में n इक्वल टू इसमें 1 है तो कितने स्टिक लग रहे हैं, तो 4 है, तो 4 में से 4 में से कॉमन कितने हैं बेटा, 4 स्टेट्स, 4 में से कॉमन कितने हैं, 1 उसमें लिखेंगे कि 4 माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, यही ना, जो कॉमन रहेगा जैसे 4 स्टिक इसमें एक में लग रहा है तो 4 में एक कॉमन है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे और उसमें एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को जोड़ देंगे तो रूल बन जाएगा। तो क्या रूल बना इसका, 3n प्लस 1, इसका रूल बन गया 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 आप जोड़ लेंगे, 3n में 1 जोड़ेंगे तो एक वाले में n के जगह यदि आपने 1 रखा, इसमें एक एक स्क्वायर के लिए स्टिक चाहते हैं कितना होगा एक स्क्वायर में, n के जगह 1 रखिए तो 3 × 1 = 3 + 1 = 4 आ जाएगा, एक स्क्वायर में 4 स्टिक आएगा। उसी तरह जितने स्क्वायर होगा n की वैल्यू आपने बढ़ाया, जो भी बढ़ाते जाएंगे ये रूल बन, ये इसी रूल पर जितना का भी स्क्वायर जुड़ेगा वो सबका सबके लिए रूल बन गया, और ये इसी को कहते हैं अल्जेब्रिक। एक और रूल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और रूल आप बनाना यदि जान जाए तो फार बेटर होगा। इससे ये दिया है क्वेश्चन में, ये मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपके बुक में दिया है, अब करने को भी दिया है, जो जानेगा वही कर पाएगा, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, आप यदि समझ जाएंगे मेरी बात तो जरूर कर लेंगे। देखिए इसमें डिजिटल इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश जो इंटरनेशनल जो नंबर है उसको डिजिटल घड़ी में आप 8 को ऐसे ही लिखते हैं ना, डिजिटल घड़ी में, बोलो यस सर, डिजिटल घड़ी में 8 कैसे बनाता है, डिजिटल क्लॉक में ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना, यस सर, यस, इसको आप ऐड करते जा रहे हैं, yes. ध्यान से देखिए इसमें कॉमन कितने स्टिक हो रहे हैं, एक में कितने स्टिक है भाई, एक में बताओ, एक में यहाँ n इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ स्टिक्स बोलो 4,
फोर ही है इसमें सर, फाइव सही बताओ सर, फाइव फाइव सिक्स कितने हैं सर, सेवन बताया है वो सही है, देखो सर सेवन है, टू थ्री इधर से, वन टू थ्री नीचे से और एक बीच में, थ्री कॉमन है, प्लस वन सिक्स सेवन, एक में कितने हैं सर, सेवन सेवन है। ब्लैकबोर्ड के ऊपर क्या लिखना है? अब जब आप इसका रूल बनाएंगे तो हमको बताइए कि इसके जो रूल बनेगा वो रूल कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो इसमें कोई जिसका भी दिमाग पहुंच रहा है वो बताए इसका नंबर ऑफ स्टिक्स फाइंड करने के लिए रूल इसका क्या होगा सर, सेवन माइनस वन प्लस सेवन माइनस वन ब्रैकेट एन 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 प्लस वन प्लस वन प्लस योर रूल इज एन प्लस टू सर सिक्स एन प्लस वन प्लस वन। आप कुछ गलत कर रहे हैं, ध्यान से सर, एन इंटू वन वन हाँ सर, सेवन माइनस एन इंटू वन नहीं नहीं रूल वैसे ही बनेगा जैसे सर, सेवन माइनस वन ब्रैकेट्स एन प्लस वन, माइनस वन क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि एक कॉमन रहेगा तो एक माइनस करेंगे, दो कॉमन रहेगा तो दो माइनस करेंगे, इसमें दो कॉमन है, देखिए ये दो स्टिक कॉमन हो जा रहा है, सेवन माइनस टू ब्रैकेट एन प्लस वन यस सर, वन वन नहीं यस टू, सेवन माइनस टू टू एन प्लस टू उतना ही जोड़ना भी है सर, फाइव एन प्लस टू क्या रूल बन गया सर, माइनस टू क्यों सर, फाइव एन प्लस टू एन प्लस वन ये माइनस टू क्यों किए हैं, देखिए इसमें दो स्टिक कॉमन बन रहा है ना, ये यस सर इसमें कॉमन हो जा रहा है, ये भी स्टिक यस सर, और सब में एक ही ना कॉमन, यस सर यस सर एक ही कॉमन, यस सर 5n plus 2 रूल बन गया कि नहीं, 5n plus 2 आप 5n plus 2 सर बन गया, सुनिए उसको चेक करिए इस पर, 5n plus 2 करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके देखिए, 5n plus 2 सर आ रहा है, यस सर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, जगह 1 रखे ना, एक ही ना है ये, यस सर 5 into 1 यस सर, यस आप plus 2 कर दीजिए तो 7 आ गया कि नहीं, यस सर आ गया, हमारा रूल सही है सर, सर आ गया, इसके लिए हमारा रूल सही है, तो ये जितने भी है सर, मैजिक स्टिक सर इससे भी लिखे हैं, हम ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं सर, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, चलिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, आप देखिए तो सर दिख रहा है, आप लिख लीजिए तब सही कर देंगे सर, इसे हम रफ पकड़ सकते हैं ना, हाँ अब नोट कर सकते हैं, राइट डाउन, अब आप नोट कर सकते हैं सर, हम लोग को पता ही है कि एक बॉक्स में सेवन मैचिंग स्टिक है, तो इस मैंने किसका आंसर लिखा है सर, सेवन क्लियर क्लियर सर, मैं तो इसमें क्या फायदा क्या है, फायदा ये सर, अभी किसका आंसर लिखा सर, देखो हम लोग को पता है एक बॉक्स में, अपनी बात क्लियर बोलिए तब ना मैं जवाब दूंगा सर, हम लोग को जो पता ही है कि एक बॉक्स में सेवन मैचिंग स्टिक है, तो हम लोग ये रूल बना के हम लोग को क्या फायदा है, हाँ बेटा मैं बिल्कुल आपने सही पूछा है, ये रूल बनाने से ये फायदा है कि एक रहेगा तो आप बता देंगे, कह देगा कि ऐसे ही 100 ऐड किया हुआ है तो यस सर यस सर, 1000 कह देगा कि 1000 ट्रायंगल ऐड है तो आप 1000 ट्रायंगल बनाकर काउंट करेंगे, बोलिए नो सर, अगर सर हम लोग के पास रूल का यूज करेंगे तो हम लोग के पास हेल्प हो जाएगी, आपके पास रहेगा तो फट से निकाल देंगे ना, यस सर बुक में पूछा है तुम्हारे बुक में, ये सारे हम लोग लिख ले, हाँ आप लिख सकते हैं सर, आप एक कॉपी ओके सर प्लीज साइड, हाँ सर वो कॉपी पे करना है, हाँ बेटा कॉपी पे करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी बुक में पूछा है ये सब, यस सर प्लीज ये बता दीजिए कौन सा किसका आंसर है,
ये सर बता दीजिए कौन सा किसका है सर, आपने बताया। ये देखिए, ये जो निकाले इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाइए और यहाँ से इतना बस लिख दीजिए, इतना ही लिख दीजिए। मैं कैमरे को घुमा देता हूँ, पूरा दिखाई देगा। सर कितना है? जितना बोर्ड पे दिख रहा है लिख लीजिए। सर कौन सा लिखने की बता दीजिए। ये सारा नोट पड़े। हाँ, ये ट्रायंगल के लिए मैंने दिखाया है। आप यहाँ तो समझाए तभी ना आप समझ पाएंगे। ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो से अधिक ट्रायंगल है, उसके रूल कैसे? सर पे लिख ले। नहीं, फेयर पे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल फेयर पे लिख सकते हैं। सर जो बस आप वाली ट्रायंगल बनाए हैं उसने आंसर क्या लिखे हैं? किसमें? इसमें? आपने सुनो बताया बेटा, आप ट्रायंगल को एक बार बना लीजिए, उसके नीचे स्क्वायर वाला बना लीजिए, उसके नीचे एट वाला बना लीजिए, तब आपको साफ दिखेगा। मैं बोर्ड पर समय अपना जगह बचाने के लिए ऐसा किया हूँ। आप क्या करिएगा, ट्रायंगल वाला एक जगह, स्क्वायर वाला एट वाला बना लेंगे तो ठीक रहेगा। सर अभी आप क्या लिख रहे हैं? वो कुछ नहीं, वही उसी रूल को लिख लिए, रूल जो लिखा था मुझे। इसका रूल कहीं लिखे हो ना, 2n+1 साइज से आया। कौन सा लिखा सब कुछ कर देंगे। लिख देता हूँ रूल, चलो रूल लिख देता हूँ। सर वो लिख दिया। सर आप जो पहले लिखे थे वो मैं लिख दी। ठीक है लिख दियो तो वो भी सही है। जैसे और सब में रूल लिखे उसी तरह इसमें भी लिख दिए हैं, और क्या, जैसे तुम भी लिख सकते। ठीक है सर, इसको भी लिख ले रहे हैं। जैसे आपने और सब में रूल लिखा है, सेम प्रोसेस से सारे रूल लिखे हैं। कॉमन को माइनस कर दिया है टोटल में से, और फिर उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो माइनस किया उतना ही ऐड कर दिया गया। सब भी रूलों में यही फॉलो किया गया है। तो निकाले एक बार रूल दिखा दे। क्लास 7 में भी मिलेगा आपको पढ़ने को, जो मैं बताया हूँ ना, ये 7 में भी है। सर सर बोलिए। सर कह रहे थे कि आप 100 ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन बताया ना वो एक बार करके उसका रूल बताइए। रूल तो सबका बताया। सर आप वहाँ पे 7 के ऊपर क्या लिखे हैं? सर आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसका रूल नहीं समझ आ रहा है। नो सर उसके ऊपर जो दो स्क्वायर है ना उसके साथ 7 के ऊपर 5। नो सर 5 के बाद। यस सर 5 × 1+2 लिखे हैं बेटा। ये 5 है ना, सुनिए ये 5, ये मैंने क्या लिखा है देखिए, ये इसमें 7 स्टिक है ना, तो रूल तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो 7 स्टिक लाने के लिए रूल इसका बना है। क्या बना है बोलिए? ये रूल किसके लिए है? ये इसके लिए है, इसके लिए रूल बना है। इसका रूल यहाँ मैं लिखा हूँ, इसका रूल यहाँ लिखा हूँ 5n+2।
5n + 2 अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 नंबर ऑफ स्टिक हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टिक्स स्टिक्स हो जाएंगे 5n + 2 रूल है, बोलिए 5 × 1 है तो 1 लिखिए, आप प्लस 2 कर दीजिए तो 7 आ जाएगा, 5 × 5 + 2 = 7 7 हो जाएगा सर। हाँ सर, आप 100 एंगल वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना एक बार, उसका कैसे करेंगे। 100 n के जगह पर 100 रख दीजिए, जहाँ n है ना वहाँ 100 रख दीजिए, किसी भी रूल में 100 निकालना चाहते हो, किसका बोलो, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, या 8 का, किसका निकालना चाहते हो 100 नंबर? 100 ट्रायंगल, ट्रायंगल का, ट्रायंगल सर, ट्रायंगल यदि आप लिखिए n इक्वल टू 100 लिख दीजिए, इसका रूल फॉलो कीजिए 3n + 1 सर, इसको ग्रुप पे थोड़ा सेंड कर दीजिएगा सर, इसका रूल प्लस 1 इक्वल टू 301 हां ग्रुप में सेंड कर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कैमरा साइड में कीजिए ना, मैं घर पे बनाकर रूल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक ये सर इसमें इधर से उधर हो गया, ठीक है मैं एक साथ बना के कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें डाल दूंगा, ये आप कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा कुछ रूल बनाने के लिए, और कुछ इसमें नंबर ऑफ स्टिक फाइंड करने। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, डाल दीजिए। ओके सर, ओके सर, अब ये एक्सरसाइज शुरू करना है 11.1 टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन थोड़ा शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा जरूर सर, फर्स्ट क्वेश्चन कर सर, आप अटेंडेंस लिए हैं? अटेंडेंस स्नैप से ले लिया गया है घर सर, आप स्नैप ले लीजिए, वो आशुतोष को बोले हैं घर पर वो ले लेगा। यस सर, मैं वही बोल रही हूँ कि आप स्नैप ले लीजिए, वो ऑनलाइन कर रहा है ना, उससे ले लिया होगा, मैं बोला था। अब कुछ नाम नया जो जुड़ा है वो नई लिस्ट मेरे पास आ गई है, बताया जाएगा आपको, इसको मिटाऊं? यस सर मिटा दीजिए, यस सर मिटा दीजिए, यस सर मिटा दीजिए, साइज 11.1 लिसन टू मी, फाइंड द रूल फॉर विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो मैंने आपको समझाया है, फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक, find the rule, find the rule gives the number of match stick pattern, use the periodic sare revision hai match sticks question hai, abhi aage padh rahe ho, revision karne lage, kaisi kaisi baatein karte ho, abhi to chapter padh rahe ho to revision kaise ho sakta hai, number of match sticks required to make the pattern. Sir, exercise hai. Sir, they want to disturb you. Following patterns. Sir, matchstick अलग-अलग word लिखे हैं.
Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the puzzle. Then matchsticks एक ही में होगा ना? सर आप मैच अरे चलो के बाद गैप छोड़ के मैचस्टिक एक ही में लिख दो क्या सर सही तो है अलग अलग भी तो सही होता है चलो ठीक है ए पैटर्न ऑफ लेटर टी लेटर टी को अल्फाबेटिकल बनाया है इसका है ये डिजिटल बनाया है डिजिटल में बनाता हूँ एक टी में टू स्टिक लग रहा है बी में दे रहा है जेड पैटर्न ऑफ लेटर जेड ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड थ्री थ्री मैच स्टिक्स आर एडेड देख रहे हैं थ्री मैच स्टिक है तो इसके लिए रूल बताओ रूल बताओ यहां मैं रूल लिखता हूं रूल क्या होगा बेटा बताइए ये एडेड है मेरे कहने का मतलब कि इसके लिए रूल आप कैसे बताएंगे अकेले है या एक से अधिक है उसके लिए दो मैच स्टिक मिलकर बनाएंगे टू एन होगा टू एन सिंगल दिखाएगा ना तो वो एक में दो लगा है उसके साथ एन जोड़ दीजिए दो स्टिक है ना उसके साथ एन लगा दीजिए तो टू एन हो गया इसमें क्या होगा थ्री एन होगा सर थ्री एन होगा इसमें कॉमन नहीं जोड़ रहा है ना कॉमन दिखाता तो उसके लिए जैसे मैं रूल बताया हूँ कॉमन वाले के वो होगा बिना कॉमन वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टिक गिन कर उसके साथ एन लगा दीजिए ठीक है लिख लेंगे ना बोलो यस सर लिख लेंगे यस सर लिख लेंगे हाँ ठीक है तो ये दो नंबर क्वेश्चन नंबर टू देखिए आपको कुछ एडवांस मैंने बताया है ये बिना कॉमन वाला पूछा है कॉमन वाला भी बताया जो सेवन क्लास में दिया है ठीक है कॉमन वाले का रूल ही थोड़ा टफ होता है ओके वाला आपने सीख लिया तो आगे क्लास में भी वो काम करेगा और इसको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही में गिन कर उसमें एन लगा देना है एक में कितने लग रहे हैं उसके साथ एन लगा दीजिए मान लीजिए एक टी है तो टू एन लगाए हैं तो टू इंटू वन टू स्टिक लग रहा है यदि हंड्रेड टी है तो हंड्रेड इंटू टू इंटू हंड्रेड करेंगे तो टू हंड्रेड स्टिक होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना कॉमन वाले में कॉमन वाले के लिए जो फार्मूला होता है वो मैंने बताया है आपको कॉमन वाला भी आप जान गए आगे क्वेश्चन नंबर टू वी ऑलरेडी नो The rule for the pattern letter L, C, F, some of the letter, in sub L, C, F में कितने digital लिखना है आपको? अब C कहेगा तो C में कितने लगेंगे भाई? बोलो, कितने match stick लगेगा तो C बन रहा है? कितने लग रहा है? Sir, three. Sir, three. Sir, three. Sir, three N. Rule three. हाँ, तो ठीक है. आप F में कितना लगेगा? F. सर सी कहाँ है सर सी तो नहीं दिया सर सी नहीं दिया क्वेश्चन नंबर टू अरे क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो ना उसमें दिया है यस सर क्वेश्चन नंबर टू में दिया है देखिए यस सर दिया है एफ में कितना होगा एफ में भी थ्री लगेगा यस सर थ्री एफ में भी थ्री लगेगा नहीं सर आप सुनिए लिखा है ना इसमें क्वेश्चन नंबर वन में जो दिया है पैटर्न एल सी एफ सम ऑफ द लेटर्स क्वेश्चन नंबर वन गिव अस सेम रूल ये सेम क्वेश्चन नंबर वन में जो दिया है उसमें सेम रूल भी होगा कई में सेम रूल जिसमें दो स्टिक वाले हैं वो सबका रूल सेम हो जाएगा थ्री वाले का रूल सेम हो जाएगा